Dhananjay once again. He's a consultant pediatrician from Babylon Hospital. And so last time you told us about the premature baby, the related complications, preventions, treatment and everything. So today I have a list of questions and list of confusions and queries about the babies who are born but do not cry. जो बच्चे रोते नहीं हैं एंड द न्यू बॉर्न डेथ्स. ओके सो सर अगर हम देखें यूके यूएस में अगर हम अपनी कंट्री इंडिया को कंपेयर करते हैं तो न्यू बॉर्न की डेथ ज़्यादा होती है, मतलब नवजात शिशु की मृत्यु दर यहाँ पे ऑलरेडी बढ़ी हुई है. तो क्या क्यों किस वजह से है ये? जनरली क्या होता है कि ये जो प्रोग्रेसिव कंट्री हैं या जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें कारण मृत्यु दर के जो न्यू बॉर्न हैं बहुत अलग होते हैं और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें कारण अलग होते हैं. हमारी कंट्री में जनरली क्या होता है कि या तो प्रीमैच्योरिटी सबसे कॉमन कारण है या बर्थ एस्फिक्सिया है. बर्थ एस्फिक्सिया का मतलब होता है कि बच्चा देर से रोता है उसकी वजह से वो अपंग रहता है या कोई मेंटल डिसऑर्डर रहते हैं. तीसरा कारण होता है सेप्सिस का कि बच्चों की लर्निंग क्षमता कम होती है, हाइजीन प्रॉपर नहीं होती है तो उनकी इन्फेक्शन के चांस रहते हैं. चौथा कॉमन कारण होता है कंजेंटल डिफॉर्मिटीज़, बच्चे के फीटस के न्यूबॉर्न के जो डिफॉर्मिटीज होती हैं उसकी वजह से बच्चों की डेथ होती है. तो इसमें बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. तो इनमें सबसे कॉमन कारण होता है बर्थ एस्फिक्सिया जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है. इसकी वजह से मॉर्टिलिटी के साथ साथ मॉर्बिडिटी भी काफ़ी कॉमन है. मॉर्बिडिटी का मतलब है उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें रह जाती है जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में नॉर्मल बच्चा नहीं रह पाता, बहुत सारी चीज़ें कमी रह जाती है. ये कॉमन कारण होते हैं. सर जैसे बच्चा डिलीवरी हो गई ठीक है मदर की, अब उसके बाद बच्चा रोता नहीं है, बहुत देर तक नहीं रोता, तो क्यों नहीं रोता है? देखिए इसमें क्या होता है कि नॉर्मल प्रोसेस होती है कि बच्चा डिलीवर हुआ, बच्चा डिलीवर होने के बाद जैसे ही क्राई करता है वैसे ही उसकी दिल की धड़कन चल के दिल की धड़कन से दिमाग तक खून पहुँचता है, दिमाग में खून पहुँच के वो नॉर्मल एक्टिविटी आ जाती है. ये एक नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में बोलूँ तो क्राई लाइफ का पहला साइन होता है. इसमें जितनी देर लगेगी चाहे वो एक सेकेंड, दो सेकेंड, टेन मिनट, फाइव मिनट, वट एवर, ये सारी चीज़ें ये डिपेंड करती है कि उतनी देर हार्ट का सर्कुलेशन या ब्रेन का सर्कुलेशन नहीं आ रहा. तो जब हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो रहा उतनी देर वो ब्लड सप्लाई डिफरेंट ऑर्गन्स में नहीं होती है. जब ब्लड ऑर्गन में सर्कुलेशन नहीं होगा, ब्लड जब सर्कुलेशन में नहीं जाएगा तो फिर हर ऑर्गन के अपने अपने कॉम्प्लिकेशन होते हैं. तो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चा क्राई करे या क्राई नहीं करता तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है. अब जनरली हमें कि क्या कारण हो सकते हैं सर, तो कारण में ये होता है कि या तो एंटीनेटल कारण होता है. एंटीनेटल का मतलब है कि मदर का कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से बच्चा जो सर्कुलेशन बच्चे की माँ का और फीटस का और मदर का जो वो होता है प्लेसेंटा का कनेक्शन होता है वो कोई पहले हट जाता है. तो पहले हटका डिलीवरी से पहले जनरली क्या होता है, जैसे डिलीवरी होती है तो पहले दर्द आते हैं, फिर तो डिलीवरी होती है बच्चे की, उसके बाद बच्चे का प्लेसेंटा डिलीवर होता है. तो ये नॉर्मल रूटीन कोर्स होता है. इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया है कि बच्चा डिलीवर दर्द आ गए, बच्चा डिलीवर नहीं हुआ, उससे पहले प्लेसेंटा और मदर का जो कनेक्शन होता है ब्लड सर्कुलेशन का ऑप्शन वो हट गया तो वो बच्चा एस्फिक्सिया की तरह हो जाएगा, उसका ऑक्सीजन कमी हो जाएगी, सर्कुलेशन कमी हो जाएगी. तो बच्चा जब डिलीवर होगा तो वो एकदम से निढाल पैदा होगा क्योंकि ऑक्सीजन गई नहीं ब्रेन में. इसलिए तो सर ब्रेन पे क्या असर पड़ेगा फिर बच्चे की, अगर मानसिक विकास पे क्या एकदम से इफेक्ट पड़ेगा जैसे आपने बोला कि अभी सर्कुलेशन नहीं होगा? इसमें क्या होता है कि बर्थ एस्फिक्सिया में एस्फिक्सिया का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की कमी होना. ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई? क्योंकि बच्चा क्राई नहीं किया. अब ऑक्सीजन की कमी यदि ब्रेन में होती है तो ब्रेन का सर्कुलेशन कम होने की वजह से ब्रेन में सूजन आ जाती है. ठीक है, तो उसमें जब ब्रेन की आएगी तो उसमें दौरे आने लग जाएंगे, बच्चा बेहोश हो जाएगा और जो कंट्रोल ब्रेन का बॉडी पर होना चाहिए वो नहीं होगा. तो नहीं होगा तो फिर वो उसको सपोर्ट देने के लिए वेंटिलेटर पर भी लेना पड़ेगा या उसको सर्कुलेशन दौरे आ रहे हैं तो दौरे की दवाई देनी पड़ेगी. सेम चीज़ यदि ऑक्सीजन की कमी यदि हार्ट में होती है तो हार्ट की कमी जो हार्ट पंप नहीं करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम होगा. ब्लड प्रेशर कम होगा तो अगेन सारी ऑक्सीजन की कमी सारे बॉडी में हो जाएगी. तो हमें ब्लड सर्कुलेशन के लिए आइनोट्रॉप देना होता है. तीसरा, यदि उसके लंग्स में नहीं जा रहा ऑक्सीजन तो लंग काम नहीं करेगा तो ऑक्सीजन जो जानी चाहिए सांस के थ्रू ब्लड में वो नहीं जाएगी, तो अगेन फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी.
तो उसके लिए हमें उसको ऑक्सीजन का सपोर्ट देना होता है। ऑक्सीजन सपोर्ट से बस सांस बच्चा खुद ले रहा है तब तो ऑक्सीजन सपोर्ट से काम चल जाता है। कई बार ऑक्सीजन बच्चा सांस ही नहीं ले रहा होता तो फिर हमें वेंटिलेटर पर लेके और उसको ऑक्सीजन देनी होती है, उसको सपोर्ट देना होता है जैसे ऑक्सीजन जाए। ऐसे किडनी में सर्कुलेशन कम हो जाए या ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसमें यूरिन बनना कम हो जाएगा। ये सारे कॉम्प्लिकेशन अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो सर इससे बचने के लिए फिर क्या किया जा सकता है कि बच्चा ऐसी सिचुएशन ही ना आए, तो उससे बचने के लिए अपन क्या प्रायर प्रिकॉशंस लें? इसमें ये है कि हमें जो डिलीवरी होती है जी, डिलीवरी के आगे और पीछे जिसको हम पेरिनेटल पीरियड बोलते हैं, पेरिनेटल पीरियड में हमेशा मदर को एंटीनेटल पीरियड में जो भी जिसको भी उसको ऑब्स्टेट्रिशियन को दिखा रहे होते हैं वो हमेशा आपको बोलते हैं कि बच्चे के मूवमेंट का ध्यान रखो या बच्चे की धड़कन कितनी चल रही है वो रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं, बच्चे के मूवमेंट रेगुलर फील कर रहे हैं कि नहीं, या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं मदर को डायबिटीज है, हाइपोथायरॉइडिज्म है या कोई और कोई कॉम्प्लिकेशन चल रही है, मैटरनल कोई मदर के हार्ट की डिजीज है, कोई ड्रग चल रही है, उसके कॉम्प्लिकेशन बच्चे के ऊपर आते हैं। तो उसके बचने के लिए हमें क्या है कि जब एंटीनेटल पीरियड में मॉनिटरिंग हो रही होती है उस वक्त मदर को ध्यान रखना है जैसा आपके ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं स्ट्रांग मॉनिटरिंग करें और नियर बाय उस सिचुएशन में डिलीवरी कराना है जहाँ पे जो न्यू बॉर्न केयर की फैसिलिटी अवेलेबल हो। क्योंकि इसमें क्या होता है जनरली कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ बाई चांस किसी भी कारण से ये डॉक्टर नहीं रोता है तो हमें तुरंत उसको सपोर्ट देना होता है हर ऑर्गन को। यदि बच्चे की सांस चल रही है तो सिंपल ऑक्सीजन से काम चल जाएगा तो एटलीस्ट वो ब्रेन डैमेज नहीं होगा। और बाई चांस हमें ऐसी जगह डिलीवरी हो गई, रिमोट एरिया में डिलीवरी हो गई या ऐसे एरिया में कि जहाँ से डिलीवरी होने के बाद यदि बच्चे को शिफ्ट करना पड़े वहाँ एक दो घंटे लग गए या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे ऑक्सीजन कमी होते होते और ब्रेन डैमेज या डिफरेंट ऑर्गन डैमेज होने लग जाते हैं उनकी। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जब एक बार न्यूरोलॉजिकली डैमेज होने लग गया तो उसमें से रिकवरी पूरी तरह से होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सर जैसे आपने बताया कि कई बार इन चीज़ों में देरी भी हो जाती है, बच्चा नहीं रोता है या कहीं ऐसी जगह डिलीवरी हो गई बच्चे की कि यहाँ पे कुछ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, पास में हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसके लिए आप क्या मैसेजेस देना चाहेंगे कि टाइम वेस्ट ना करें या कुछ भी, मतलब एक जो भी पेरेंट्स इसे सफ़र कर चुके हैं या जिनकी डिलीवरी होने वाली है तो उनके लिए आप क्या मैसेज डिलीवर करेंगे कि उनको क्या इस सिचुएशन में करना चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो? ओके, सबसे पहले तो हम यही कहते हैं कि जब भी डिलीवरी एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन है आपको मदर को वहाँ शिफ्ट करना है जहाँ पे न्यूबॉर्न केयर अवेलेबल हो। पहला काम तो सबसे पहले तो न्यूबॉर्न केयर अवेलेबल होनी चाहिए, उसका हमें जरूर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि रिमोट एरिया में लास्ट वीक्स में लास्ट मंथ में नहीं जाना है। पहला। दूसरा, यदि मानो आप किसी कारण से जा रहे हैं तो आपके पास वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सारी होनी चाहिए क्योंकि मदर के जो पेन आ रहे होते हैं तो वो कभी भी किसी वक्त भी आ सकते हैं। तो जब वो दर्द आता है तो हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल पहले से एडवांस में हमें करके रखनी चाहिए या फ़ोन नंबर लेना चाहिए कि हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़े तो कैसे करें, ठीक है। तीसरा, यदि मानो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास डॉक्टर नहीं है कि हमें कहाँ पहले से डिसाइड नहीं है हमारा कि कहाँ हमें शिफ्ट करना पड़ जाए, तो वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है आपके पास तो पहले से डिसाइड करके रखो कि हमें इतना ड्यूरेशन लगेगा यहाँ पहुँचने में और बच्चा ये डिलीवर हो गया वो करना है। प्लस जैसे छोटे छोटे वीडियोज़ होते हैं या छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं कि बच्चे बच्चा डिलीवर हो जाता है तो हमें बच्चे को कैसे उसको सांस दिलवानी है, कैसे उसको सक्शन करना है, ये बेसिक चीज़ें बिल्कुल रिमोट में हो जाए तो जो दाइयाँ होती हैं जो कॉमन चीज़ें तो करती हैं लेकिन हम साइंटिफिकली उनको ट्रेन करते हैं उसमें उनको ये पता होना चाहिए कि बाई चांस कोई भी तरीका नहीं है तो एटलीस्ट जो लोकल दाई हैं, लोकल बाईज हैं, वो लोग कैसे उसको सपोर्ट कर पाए, ये कौन सी चीज़। थैंक यू सर, ये भी बहुत फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन थी। आई थिंक सभी मदर्स को, सभी पेरेंट्स को ये बात पता होनी चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए या ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए। सो यू कैन ऑल्सो कंसल्ट एट बेबी लोन हॉस्पिटल एंड थैंक यू। इसके अलावा मैं बताया आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जनरली हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं ना जी, वो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सर मेरा बच्चा देर से रोया, अच्छी जगह डिलीवर हुआ और सांस नहीं आई, तो उन्होंने नर्सरी में एडमिट कर लिया। तो
अब आप बता नहीं सकते ये बच्चा ठीक होगा या नहीं होगा, ठीक है, और इसका आगे क्या होगा, भविष्य क्या होगा बच्चे का, तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है जो हमें डे टू डे में हमें बताना होता है। तो सबसे पहले मैं जो मेरा मानना है वो ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये बच्चा देर से रोया है तो देर बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जी बहुत जितना जितना देर से होगा उतना डिफेक्ट होने के राइट चांसेस राइट ज़्यादा रहेंगे, जितनी जल्दी आपको केयर मिल गई उतनी जल्दी ठीक होगा। यदि बच्चा जो ट्रीटमेंट लगा ट्रीटमेंट के बाद तुरंत रिस्पॉन्ड करने लग गया, रिस्पॉन्ड से मतलब खुद की सांस आ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा ठीक चल रही है, यूरिन आने लग गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने बहुत जल्दी उसको पिक कर लिया, ठीक तो चांसेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन कम होंगे। कर एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा ये पाना कैसे पता लग गया कि अपने को कॉम्प्लिकेशन आएंगे, ये हाँ बच्चा सही, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि कैसे कॉम्प्लिकेशंस कैसे, के साथ। तो उसमें ये रहता है कि यदि बच्चा देर से रोता है और उसकी सांस भी नहीं आ रही है, जी लगातार दौरे आने लग गए हैं, उसको हाथ पैर भी नीले पड़े जी हैं, ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो रही है, और उस बच्चे को वेंटिलेटर पर लेना पड़ रहा है, जी वेंटिलेटर पर लेने के बाद में यदि उसकी सांस आ गई है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लग गया है, लेकिन दौरे आ रहे हैं, दौरे आ रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि उसकी ऑक्सीजन ब्रेन में कम गई है, तो जितना देर उसको कंट्रोल करने में लगेगा दौरे जी कंट्रोल, जी उतनी उतना मान के चलते हैं अपन डैमेज होगा। जितना देर इसको ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स में लगता है उतना चांसेस रहते हैं कि बच्चा उसके मेंटल रिटार्डेड रहे या कोई कॉम्प्लिकेशन रहे, कॉम्प्लेक्स ठीक है। और जितनी जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, फिर जब रिस्पॉन्स कर जाए तो हमें कैसे पता लगेगा कि कोई कॉम्प्लिकेशन रह गया या नहीं रह गया, इसके लिए कुछ होते हैं सॉफ्ट साइंस होते हैं, तो हम ओके ऐसे बच्चों को लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म मीन्स करीब करीब वैसे तो मिनिमम 2 ईयर्स, पर जी 2 ईयर से लेके 18 ईयर तक हमें रेगुलर इसको मॉनिटरिंग करनी होती है। शुरू में ओके तो हमें ये देखना होता है इसके हाथ पैरों में अकड़न तो नहीं है, या कोई बोलने में तकलीफ तो नहीं है, सांस इसके सुनने में कोई तकलीफ तो नहीं है। लेटर ऑन फिर हम जब बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं, उसके दिमाग में मानसिक विकास पूरा हुआ कि नहीं, कुछ पता लगा कि मैथमेटिक्स में कमज़ोर है, तो वो सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। लेकिन एकदम से इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी या जब नर्सरी से बाहर आते हैं, तो किसी भी डॉक्टर के लिए ये सब कुछ बताना मुश्किल होता है कि जी एग्जैक्टली हमारा बच्चा कैसे होगा। सिंपल आंसर इसका यही होता है मेरे हिसाब से कि यदि बच्चा ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स कर गया, जितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर गया जी उतने कॉम्प्लिकेशन कम होंगे। ओके ठीक है थैंक यू।